आटे बाटे दही चटाके गोरी बछिया पानी पीने का नहीं खाने का नहीं आटे बाटे दही चटाके गोरी बछिया पानी पीने देखिए चटपटे चने हमारे तैयार हैं, इधर चाय भी हमारी बन गई है
और इन वाले चनों की ना चाट भी बड़ी अच्छी लगती है। इस तरह से चटपटे से भून के इसमें कच्ची प्याज, टमाटर, सेव, दही और इमली वाली चटनी मिक्स करके खाओ ना तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है। पर आज बस हम लोग चाय के साथ इंजॉय करेंगे, तो मैं तो ऐसे ही लेने वाली थी, पर छोटा बेटा बोला कि मम्मा इसमें ना प्याज कट कर लो, बहुत अच्छी लगती है कि प्याज का क्रंच आता है, तो मैंने सोचा चलो इसमें मैं प्याज डाल लेती हूँ। और ना मेरे पास नींबू नहीं था, तो खटास के लिए ना मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड किया था, 1 से 1.5 चम्मच, तो उसका बहुत ही टैंगी सा फ्लेवर आ गया था, बहुत यम यम लग रहे थे चाय के साथ में, एकदम चटपटे, खट्टे, मीठे, तीखे वाले। सो बहुत अच्छे लगे, इन्जॉय किया दोनों बच्चों ने। और मेरा बड़ा बेटा ना चाय या दूध पहले पूरा फिनिश कर देता है, बाद में उसके साथ में कुछ खाता है, जो खाने वाली चीज़ होती है वो बाद में खाता है। मैं बोल रही थी, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी चाय पी ले, बीच बीच में ये भी खा लो, पर नहीं, उसको तो चाय फिनिश करनी है तो करनी है। सो पहले उसने पहले पूरी चाय फिनिश कर ली और मैंने उसको ऐसी दे दी ना, तो उसको लगा कि मेरे उसमें प्याज नहीं डाले, तो वो फिंगर से बता रहा था कि इसमें भी काटो और काटो। मैंने और काट रही थी ना अपने वाले चनों में, तो उसने और डलवाई, जो लगता है ना उसको तो मतलब एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा डलवाता है अपने उसमें। सो बस हम लोगों ने यहाँ पर इन्जॉय कर, और यहाँ पे ना मैं बड़े बेटे से करवाती रहती हूँ छोटे मोटे काम, मैं उसको बोलती हूँ कि ये रख के आ, तो वो ना नखरे करने लगा आजकल, नहीं रखना चाहता, फिर उसको बोलती हूँ बार बार तो वो कर देता है। तो और यहाँ पर देखिए ना मलाई रखी हुई थी, लगभग 1.5 महीना हो गया मलाई इकट्ठे करते करते, फ्रिज में रखी थी, बस मैं लगाने का आलस कर रही थी। सो मैंने आज ना 2 भगोना मलाई थी, तो दोनों लगाए एक साथ, तो इसको लगा लिया, और उधर कढ़ाई में देखे बटर रखा हुआ है ना, तो दोनों भगोने लगाए थे, 2 भगोने भर चुके थे। सो बस यहाँ पे आज निकाल लिया है मक्खन ढेर सारा, इसको बस मैं रख दूँगी मेल्ट करने के लिए। और इधर ये चाय के बर्तन हैं, तो उधर मैंने ना मक्खन रख दिया है गैस पे, और इधर मैंने सोच रही हूँ कि बर्तन साफ़ कर लूँ फटाफट से, तो दोनों काम होते रहेंगे। क्योंकि ना मक्खन जब बनाते हैं ना, तो मतलब जब तक वो उबाला आता है ना पहला वाला, तो वह उसको देखना होता है कवर ना, वो फिर ओवन के बाहर फैल जाता है। फिर एक बार उबाल आ जाए उसमें, तो गैस को लो कर दो, फिर छोड़ दो, और टाइम जाता है इसको पकने में। सो चलिए इधर मेरे बर्तन भी हो गए हैं साथ के साथ, और उधर हमारा जो घी भी बन रहा है, और काफ़ी सारा घी बनेगा ये, क्योंकि 1.5 महीने की मलाई थी, जैसे कि मैंने बताया ढेर सारी मलाई थी। तो गाइस संध्या का टाइम हो गया था, और बेटे ने और मैंने मिलके दिया जला दिया है, पूजा कर ली है अपनी, बस अब मैं दोनों बच्चों को प्रसाद दे दूंगी, मैं भी ले लूंगी। और बड़ा बेटा मेरा कभी उसका मूड होता है तो आ जाता है पूजा में, नहीं मूड होता है तो नहीं आता है, तो मैं उसको अंदर ही देके आ गई हूँ प्रसाद। और गैस को मैंने लो कर दिया था, और ये देखिए घी मेरा ना ऑलमोस्ट बनने वाला है, जब ये इसके झाग ना ऊपर से पिंक पिंक से होने लगते हैं हल्के हल्के, इसका मतलब घी हमारा डन है। गैस मैं कर दूंगी बंद, ये अपनी ही हीट में 5-10 मिनट के लिए तो पकता रहेगा। और ये देखिए जो घी है मेरा हो गया है तैयार, बहुत अच्छा सा, ना बहुत ज़्यादा मतलब ना कच्चा है ना ओवर कुक्ड है, और इस टाइम ना खुशबू इतनी अच्छी फैल रही है पूरे घर में, जब घी बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी स्मेल हो जाती है, बहुत अच्छा सा लगता है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, और मैं यहाँ पे ना अपने बेटे के लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, तो उसके टिफ़िन में आज मैं बना रही हूँ यम यम वाले आलू के पराठे, और आलू की पिट्ठी में बहुत ज़्यादा भरती हूँ, निकलती रहती है, थोड़े मोटे मोटे और बड़े बड़े पराठे मैं बनाती हूँ, ताकि 2 पराठों में ना एकदम से अच्छे वाला पेट भर जाए। और देसी घी में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, देसी घी वाले मज़ा ही आ जाता है खाने में, और उसको मैं ना सॉस के साथ में रख दूँगी। तो बस देखिए ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट और मेरे बेटे का लंच। सो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय फॉर नाउ।